यूपी ने देखा भगवादारी योगी का दम, अब दुनिया देखेगी फायर ब्रांड नेता योगी का फोका। जब 19 देशों में भगवादारी योगी का निकलेगा रोड शो, न्यूयॉर्क से लेकर बैंकॉक तक सब होगा भगवा में। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना, लगातार दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ यूपी की सत्ता संभाल रहे भगवाधारी योगी। एक तरफ जहां हर राज्य के गुंडा माफियाओं और बदमाशों के दिलों में खौफ बन गए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी को विकास के रास्ते पर रफ्तार देने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इतना ही नहीं, अब तो विदेशों से बंपर निवेश लाने के लिए भी योगी आदित्यनाथ की सरकार बहुत बड़े प्लान के साथ तैयारी कर रही है। खबर है कि सीएम योगी के साथ साथ उनकी कैबिनेट में शामिल डिप्टी सीएम से लेकर मंत्री तक तमाम नेता विदेश निवेश यूपी लाने के लिए जल्द ही विदेश का दौरा करने वाले हैं, जिसके लिए 19 देशों के 21 शहरों का भी चयन कर लिया गया है, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी टीम के साथ धुआंधार दौरा करने वाले हैं। इस दौरान सीएम योगी और उनकी टीम बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों के प्रमुख और सीईओ से मुलाकात करेंगे और उन्हें उत्तर प्रदेश में निवेश के लिए कहेंगे, और ये सब कुछ 10 से 12 फरवरी के बीच होने वाले उत्तर प्रदेश ग्लोबल इन्वेस्टर समिट यानी कि यूपी GIEC 2023 से पहले होगा, जिससे जब ये समिट हो तो विदेश से यूपी में करीब 10 लाख करोड़ रुपए के निवेश को लाया जा सके, जिससे न सिर्फ रोजगार के मौके बढ़ेंगे बल्कि यूपी के विकास में भी रफ्तार आएगी। अपनी कैबिनेट टीम के साथ विदेश जा रहे सीएम योगी इस दौरान निवेशकों से तो मुलाकात करेंगे ही, साथ ही कई शहरों में भव्य रोड शो निकालने की तैयारी है, जिसकी अगुवाई खुद सीएम योगी करेंगे। आइए योगी का प्लान भी आपको दिखाते हैं। सीएम योगी 10 नवंबर को यूएसए के न्यूयॉर्क दौरे पर जाएंगे, 16 नवंबर को थाईलैंड के बैंकॉक जाएंगे, 22 नवंबर को सीएम योगी रूस के मॉस्को का दौरा करेंगे, 3 देशों के बाद सीएम योगी मॉरिशस के पोर्ट लुइस भी जाएंगे। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और बृजेश पाठक भी सीएम योगी के साथ दौरे पर रहेंगे। इनमें से एक डिप्टी सीएम यूएसए का दौरा करेंगे, कनाडा के टोरंटो और ब्राजील भी जाएंगे, जबकि दूसरे डिप्टी सीएम फ्रांस और लंदन के दौरे पर जाएंगे। साथ ही साथ नीदरलैंड का दौरा भी दूसरे डिप्टी सीएम करेंगे। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमिश्नर अरविंद कुमार ने दौरे के बारे में कहा कि मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और मंत्रियों के दौरे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। मुख्यमंत्री कुछ जगहों पर जाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के दौरे का कार्यक्रम अभी फाइनल नहीं हुआ है। दोनों डिप्टी सीएम और कुछ मंत्री भी अंतरराष्ट्रीय स्थानों पर दौरा करेंगे, लेकिन उनके दौरे का कार्यक्रम अभी अंतिम रूप नहीं दिया गया है। बताया जा रहा है कि विदेशों से निवेश लाने के प्लान के साथ यूरोप से लेकर खाड़ी और पश्चिमी देशों की यात्रा पर जा रहे सीएम योगी का विदेशों में जो भौकाल देखने को मिलेगा, उससे विरोधियों को करारा जवाब तो मिलेगा ही। साथ ही संत महंत को मठ मंदिर संभालने कहने वाले विरोधी इस बात को जान जाएंगे कि योगी है तो मुनकिर है। योगी ने उन विरोधियों को बता दिया कि अगर यूपी की सरकार धर्म और हिंदुत्व की रक्षा करना जानती है तो फिर यूपी में निवेश लाना भी जानती है। विदेशों से लाखों करोड़ रुपए का निवेश आएगा तो यूपी का उद्धार होगा, इसलिए योगी सरकार अगले साल फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करने जा रही है। बहरहाल जिस तरह से योगी सरकार धर्म और विकास के रास्ते पर चलकर यूपी में लाखों करोड़ों के निवेश को लाने में जुटी है, उस पर आपका क्या कहना है, आप भी हमें बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।